बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जय व्लॉग्स। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ और अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ नए व्लॉग करते हैं स्टार्टिंग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को भी लाइक करेगा, शुक्रिया। और जो आज व्लॉग की स्टार्टिंग है वो अपने अपने कॉलेज की छत से करें, जैसे आप देख रहे हो जसप्रीत मेरे साथ में और इधर धवल। और आज कॉलेज वाले हमें एक नई जगह पर लेके जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों का साथ में जाना तो बनता ही है, तो अपने चलते हैं। और आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस भी है, तो इसीलिए हम एक पास वाली ग्राम पंचायत के अंदर जा रहे हैं और वहीं पे हम कुछ स्पीच देंगे हमारे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो अपने भी चलते हैं और देखते हैं क्या स्पीच होगी और कैसा प्रोग्राम होगा। और आज भी हमें बस पे लेके जाएंगे, तो अभी अपने जा रहे हैं, बस वहाँ पे रुकी होगी सामने। और अभी मैं और धवल जैसे देख रहे हो बाकी सारे स्टूडेंट भी चले गए, इस बस पे अपने जाना है। और अभी बस के अंदर अपने बैठ गए और कैबिन के अंदर ये अंकल अपनी बस ले जाएंगे। मुझे बोल रहे कि आप बस मुझे बैक करवा दें, तो अभी अपने जा रहे हैं बस के साथ ही, इसको बैक करवा देंगे यहाँ पे। और मुश्किल से हमारी बस बैक होगी, अभी चल रहे हैं अपने वो पंचायत घर के अंदर। और ये आप गेट देख सकते हो, ग्राम पंचायत गुरु सर हनुमानगढ़। और बाकी अभी अपने अंदर चलते हैं और अंदर प्रोग्राम है काफ़ी अच्छा, देखते हैं कैसा प्रोग्राम होगा। और इन्होंने पंचायत घर काफ़ी अच्छे बना रखी है। और ये आप लोग फ्रंट साइड देख सकते हो ग्राम पंचायत का, और ये फ्रंट साइड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये सरपंच कक्ष है और इसके अंदर सरपंच का नाम रमेश्वर लाल, बाकी ई मित्र कक्ष और ई मित्र का नाम है। और ये मीटिंग हॉल इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स सारे। और मीटिंग हॉल के अंदर स्पीच देनी स्टार्ट कर दी। और इधर लिखा है पधारो हमारे देश, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पे। और सामने हमारे टीचर बैठे हैं और यहाँ पे हमारे कॉलेज की तरफ से एक नाश्ते का प्रोग्राम किया गया और उसके अंदर आप देख सकते हो समोसे और लड्डू और काफ़ी सारे हैं और अपने सारों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अभी अपनी चाय पी रही है और चाय है तो जाने, जान है तो जाने, आप लोगों को बताइए। और अंदर अभी भी कोई ना कोई कैंप चल रहा है हमारा, लेकिन मैं बाहर आ गया हूँ और चाय अभी पी हमने बाहर आके। और ये कुछ ऊपर से व्यू है जैसे आप देख रहे हो, और उधर अपनी वो बस रुकी हुई है और नीचे ये पार्क लगाया हुआ है इन्होंने, थोड़ा टाइम लगेगा उसके बाद में सारा ये जो गार्डन पूरा हरा भरा हो जाएगा। और बाकी पास में सारे खेत हैं और कनक बीजी हुई है खेतों के अंदर। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को
इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इस बात का वचन देते हैं हम सब संविधान के बनाए गए प्रावधानों के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे। जय हिंद। एक ही बहुत है बस। थैंक यू खेलने के लिए। और अभी कैंप है वो खत्म हो चुके हैं और सारे फोटो शूट कर रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। और अभी बस अपने यहाँ से रवाना होते हैं और खाना पीना हो गया, केले और अपने समोसा और लड्डू और चाय पीने के लिए मिली, बाकी चलते हैं अभी। और अभी यहाँ पे ग्रुप फोटो एक और हो रही है और वो प्रिंसिपल सर और सारे जो सरपंच है वो कर रहे हैं, बाकी हम यहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, ऐसे शिविर लगाते रहे। और अभी अपने बस की तरफ जा रहे हैं। आगे आगे चलो जी। बाकी आप अभी मुझे देख सकते हो कि अभी मैं घर पे आ गया हूँ डायरेक्ट। और अपने जब गुरु सर गए थे पंचायत घर के अंदर, वहाँ से अपने बस पे बैठे और फिर मैंने बाइक उठाई और मैं सीधा घर पे आ गया। और अभी शाम के 5 बज गए और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि अपनों ने जो गेहूं की फसल है अपनों ने बिजाई कर दी है और इधर अपनी मशीन है। बाकी अभी मैं छत पे आया हुआ था हमारी। बाकी आज 26 नवंबर था और 26 नवंबर 1949 को अपना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरा बन के तैयार हो गया था और इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और कुछ जो प्रोविजन थे वो लागू भी हो गए थे इस दिन से। बाकी जो कम्प्लीट अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और इसीलिए आज के दिन हम 26 नवंबर वाले दिन पंचायत के अंदर गए थे और हमारी कॉलेज की तरफ से और अपने कुछ लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए अपनों ने एक स्टेप उठाया था। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नियम के बारे में नहीं पता। मेरे गांव के अंदर मुझे लगता है कि 95% लोगों को पूरा कानून नहीं पता, उनकी जानकारी नहीं है। फिर जानकारी होनी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने लोग चुना था कि अपने ज़्यादा नहीं तो कानून की जानकारी तो अपने को मिलेगी। और बाकी अभी मैं यहाँ पे नमाज अदा करूँगा और असर का टाइम है जैसे आप पीछे सूरज देख सकते हो। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, इसको अभी शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलता है अगले व्लॉग के अंदर। खुशी का ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बाय बाय।